जान लेवा दर्द एक है, आंधी और तूफान एक है, जो पल पल आंधी और तूफान जैसे मुझ पर आते हैं वैसे ही तुझ पर भी आते हैं। फिर भी हम एक दूसरे का दर्द और दुख बांट लेते हैं, फिर भी हम एक दूसरे का दर्द और दुख बांट लेते हैं, या तुम बांट लेती हो या मैं बांट लेता हूँ। मगर इतना जानो कि हम दोनों की नीयतें एक जैसी है। मगर तुम इतना जानो कि हम दोनों की नीयतें एक जैसी है। कांटों के बीच जीना, कांटों के बीच मरना, जैसे तुम जीती हो वैसे ही पल पल मैं जीता हूँ, वैसे ही पल पल मैं जीता हूँ और जीतता आया हूँ। घायल होने के बावजूद सदियों से, जैसे तुम घायल होते हुए भी सदियों से शक्ति के रूप में जीवित रहती हो। धन्य हो तुम, लेकिन मैं धन्य नहीं हूँ। मैं धन्य तब हुआ तुम्हारे जूड़े में टंगा, तभी मैं धन्य हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी पहली कविता थी, अब छोटी सी दूसरी कविता आपकी इजाजत से सुनाइए। शीर्षक है तुम्हारे लिए। तुम्हारी हंसी कहीं जाता का? हाँ, पटना जाना है, लौटना है। तुम्हारी हंसी और तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी कोई अद्वितीय कविता है। कवि किसी कवयित्री से बोल रहा है, क्यों समझिए, या श्रीधर जी या कोई प्रेमिका, प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोल रहा है। तुम्हारे लिए शीर्षक है तुम्हारे लिए। तुम्हारी हंसी और तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी कोई अद्वितीय कविता है। तुम्हारी हंसी और तुम्हारा गुस्सा ही तुम्हारी कोई अद्वितीय कविता है। तुम्हारी कविता तुझी से ही खुराक पाती है और फिर जवान होती है नित। तुम्हारी कविता तुम्हारी हंसी और तुम्हारे गुस्से से खुराक पाती है और जवान होती है नित। इसलिए मैं भी बराबर चाहता हूँ कि तुझसे मेरी नज़दीकियाँ बराबर के लिए दूरियों में तब्दील रहे। इसलिए मैं भी बराबर चाहता हूँ कि तुझसे मेरी नज़दीकियाँ बराबर के लिए दूरियों में तब्दील रहे, कि विरह वेदना की आग में मैं पल पल जलूँ, कि विरह वेदना की आग में मैं हर पल जलूं, पल पल जलूं, हर दिन जलूं, किसी मोमबत्ती की मानिंद दोनों सिरों से जलूं, किसी मोमबत्ती की मानिंद हम दोनों सिरों से जले, सिरा से जले, जले भी और गले भी। मैं यही चाहता हूं कि विरह वेदना की आग में मैं अहर्निश पल पल जलूं, जलता रहूं और लिख सकूं कुछ अनगढ़ ही सही, मैं कुछ तुम्हारे लिए ही सही, एक टूटी फूटी कविता, अनगढ़ कविता। बहुत बहुत धन्यवाद।